हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर के ब्रांड न्यू सीरीज में। सो गाइस, आप में से भाई 30% लोगों ने, ठीक है 35% लोगों ने भाई पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर खेलने को बोला। सो मैं भी क्या ही करता गाइस, तो मैंने डाउनलोड कर लिया गाइस ये गेम और अब हम खेलने वाले एक्चुअली इस गेम को। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना नाम रख लेता हूँ प्रणव। इज दिस योर फर्स्ट टाइम प्लेइंग दिस गेम? यस ओके। तो ये कोई विकेट वूमेन आ चुकी है। एस्केपिंग अलोन इज गोइंग टू यूज अप ऑल माय स्ट्रेंथ, मतलब ये लड़की कोई बगल में बैठी है, ये कोई बंदा बैठा है, ये और एक लड़की है और ये राइट साइड में जो है गैरी है और ये विकेट वूमेन एक है, ठीक है। But I don't intend to leave empty-handed. What? Young boy, don't tell me you want Deoxys. क्या चल रही है? Deoxys एक पोकेमोन है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वो इतनी आसानी से मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूँ? It wasn't easy for Deoxys to regain its freedom. We won't let you retake it. Ah! Young boy. Boy with red hair. Ugh. Well. It seems like something unexpected happened when the attack intended for Deoxys struck them instead. Deoxys may have escaped, but it seems I've reaped in an even bigger reward. Well done indeed. Goodbye forever, my dear Pokédex owners. So, ये जो पांचो बंदे हैं स्क्रीन पर, ये सारे जो हैं, ये Pokédex owners हैं। मतलब इनके पास एक Pokédex है, ठीक है? बस उतना मैं समझ सकता हूँ। दिस कांट बी प्रोफेसर ओक्रोला, प्लीज वी कांट लेट ब्लूज पेरेंट्स सी दिस, वी नीड टू कॉन्टैक्ट विल क्विकली। क्या चल रहा है भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्रोलॉग 10 years ago, जस्ट एक और मोर अटैक एचपी बार को रेड में जाने के लिए। वाइल्ड आर्टिकल फ्लड, ये क्या हुआ मेरी आवाज को? ओके, अरे नहीं यार, पोकेमॉन चला गया। यंग मैन, अपना कंट्रोलर नीचे करो और जाकर आउटसाइड खेलो। बट आई एम सो क्लोज टू कैचिंग ऑल 150 पोकेमॉन इन द गेम। नो बट यंग मैन, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। यस मैम, आई हेट इट व्हेन शी कॉल्स मी यंग मैन, आई हैव अ नेम। अच्छा, मेरा नाम है रेड। ये रेड लगता है, बहुत ही रेडी है ना। दिस इज नॉट द टाइम फॉर माइनक्राफ्ट। ओके, देयर इज अ पोकेमॉन इन टीवी। अच्छा, क्रैम फुल ऑफ बुक्स, नाइस। ये मियाओ थे शायद। ओके, बाहर जाते हैं, देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। ओके, सो ये टॉकिंग कर रहे हैं। व्हाट यू गोइंग टू राइट नाउ? डेलिया स्निफ स्निफ। डेलिया कौन है? डेलिया, मुझे लगता है डेलिया है एश की मॉम शायद। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं पढ़ते हैं। आई एम सो सॉरी अबाउट पीट, आई कांट इमेजिन व्हाट यू गोइंग थ्रू राइट नाउ। Okay, nice. I mean, not at all nice. It is too dangerous to go out without a Pokemon. Yes, true. Or koi hai? Polly. Are you scared? I won't hurt you. Polly. Goodbye, Graham. Mama, Papa, where are you? Mama, Papa, kahan yaar? Aha! Ye kya hua? What happened? Kuch gadbad ho gaya kya? End of prologue, chapter 1, Pampton, Pokemon, 5 years later. Okay, buddy, हमने successfully sign up के लिए Indigo League के लिए। हम जल्दी बहुत सारे strong trainers के साथ लड़ाई करेंगे, Polly. Don't worry, buddy, तुम और मैं किसी को भी हरा सकते हैं। हम हैं the best. Oh my gosh, just get inside the Pokeball. Ha. Come on, buddy, let's go and help her catch the Pokemon. Yes. Nido. I give up. You have to weaken the Pokemon. Can you please help me? No problem. Your Pokemon, does it have a name? My buddy's name. So ये Polyball का एक nickname पूछ रहे हैं। So मैं देने वाला हूँ Polyball को एक अच्छा वाला nickname, जो होने वाला है, जो I guess अच्छा नाम ही होगा, I hope. Alright, here we go. Okay, so guys, actually भाई जो हमने जो main series के Pokemon games खेले हैं ना, वो सब
एक्चुअली उस गेम में भाई लोग तुम्हें पोकेमॉन पकड़ना सिखाते हैं, लेकिन इस गेम में गाइस तुम किसी और को पोकेमॉन पकड़ना सिखा रहे हो, जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है अगर तुम मुझसे पूछोगे तो। तो चलो यार बिना किसी तरीके से गाइस जल्दी से भाई इस नीडोरीना को हराते हैं, और भाई मुझे लगता है गाइस हम हारने वाले हैं, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है। ठीक है ओके, सो मेरे पास और कुछ पोकेबॉल नहीं एक्चुअली पकड़ने के लिए, तो मुझे लगता है मुझे इसे हराना पड़ेगा और वो नीडोरीना चला जाएगा। एक्चुअली लेवल 5 नीडोरीना बहुत ही अच्छा पोकेमॉन। ओह माय आशीष थैंक यू, तुमने उस पोकेमॉन को पकड़ लिया, अब मैं इस नीडोरीना के साथ अच्छा मसला करूंगा। चलो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चलो कोई ट्रेनर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जल्दी जैसे गाइस ट्रेनर फाइंड करते हैं। अरे बाप रे टीम रॉकेट ग्रैंड, आई एम लुकिंग फॉर फैंटम पोकेमॉन, देन गाय हैज पोकेबॉल, ही मस्ट बी अ ट्रेनर। नहीं रेड, ओ भाई ट्रेनर है, ट्रेनर नहीं, मुझे लगता है वो टीम रॉकेट का एक मेंबर है। और गाइस इस गेम में भाई स्पीड अप भाई बहुत गंदा वाला हो रहा है। ओ भाई ये क्या हुआ, म्यू, अरे व्हाट भाई म्यू, अरे बाप रे काम गया, गायब हो गया। ए यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस, क्या हो रहा है, अरे वाह म्यू ये कौन है, गैरी, डैम इट समवन बीट इट, Charmander return, what are you doing, you almost had it out of my way, it's my turn। हाँ बिल्कुल सही कहा, हम Mew को पकड़ने वाले हैं guys। Hypnosis, अरे नहीं यार इसने safeguard मारे, अब हम Hypnosis तो मार नहीं सकते तो हम Bubble मारते हैं। अरे बाप रे भाई ये क्या हुआ, हमें इसे जल्दी से सुलाना पड़ेगा। अरे नहीं इसने मुझे खुद सुला दिया भाई, मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे ही खुद सुलाने की कोशिश कर रहा है। और हमारे पास एक्चुअली वाटर अब्सॉर्ब है जो काफी ठीक ठाक नेचर है अगर तुम मुझसे पूछोगे तो। ओके मैं अच्छा खासा नींद में हूँ, देखते हैं कि हम क्या ही कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस तो भाई मैं ऐसे बहुत ज्यादा वीडल डाउन कर रहा हूँ गाइस, और भाई ये स्ट्रगल होना लग चुका है भाई, गाइस हम बैरली जीत पाए यार, म्यू इतना ताकतवर थी। अरे बाप रे गायब, कुडंट यू टेल फ्रॉम दैट बैटल, आई जस्ट हैड इट दैट इट वाज स्ट्रॉंगर देन मी, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड बैक माय चार्मर, मैं हार गया। यू हैव टू नो योर लिमिटेशंस, अदरवाइज तुम सिर्फ अपने आप को ही बीट कर लोगे। आई कांट बिलीव आई लॉस्ट चैप्टर 2 मिसिंग पोकेमॉन, हाँ इतना बोर्ड, that's what happens when you play in the rain, I wasn't playing mom, I was training, acha training, as if I will ever be as good as dad, alright Pranav that's enough sucking, go see professor, the weird scientist guy, bhai agar ise professor sunenge na to bhai wo bahut gussa ho jayenge, I did not raise you to make fun of other people, bilkul sahi kaha ladki mom, अच्छा यू माइट लर्न अ थिंग और टू, यंग मैन आई वाज किडिंग, ठीक है फैशन बॉक्स, ओके अरे वाह हमें फैशन बॉक्स मिल चुका है, हम इससे अपना ड्रेस चेंज कर सकते, ओरिजिनल पायरेट लीव ग्रीन डालेंगे तो कैसे लगेंगे, अरे वाह ये तो बहुत कूल ड्रेस है एक्चुअली, तो मैं इसी को लेने वाला हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। ओके तो मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ फॉर सम गुड रीजन, क्या हुआ भाई ये क्या हुआ, What is happening? Okay, move होना लग गया भाई, क्या होता नहीं क्या हुआ था गाइस, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया था। तो चलो यार प्रोफेसर ओक से मिलते हैं जो उनके लैब में होंगे, और भाई पता नहीं कि रेड बोल रहा है कि वो बहुत ही वियर्ड साइंटिस्ट गए हैं। अरे वाह वहाँ बल्बसॉर है, स्पियरो है, क्यूबोन है और जिग्लीपफ है गाइस, आई थॉट आईड बी अ लॉट मेसियर, अच्छा रेड को लगा कि बहुत मेसी होगा, ये लगता है पोकेडेक्स है, फिर अब 3 पोकेडेक्स, अरे वाह बल्बसॉर, शुड आई होल्ड इट, हाँ चलो से होल्ड करते हैं। तुम क्या कर रहे हो बुद्धू राम, अरे मैं बुद्धू राम नहीं हूँ अंकल, मैं अच्छा बच्चा हूँ, ये क्या हुआ ग्लिच, अरे भाई अरे तुम बुद्धू हो, अरे नहीं अरे सारे पोकेमॉन ने प्रोफेसर को धक्का दे दिया, देखा तुमने क्या किया, आई एम वेरी सॉरी अंकल, just get them back, okay maybe I was going too hard, are bhai squirtle tha guys andar yahan se ek squirtle tha pata nahi gayab ho gaya, chalo koi na guys ab hame bhai ek task mila hai sare pokemon ko dhoondne ke liye aur yahan ek spear khada hai,
मुझे एंग्री बर्ड मिल चुका है। अरे वाह, रेडनेस है, कितना अच्छा नाम दिया एंग्री बर्ड। हाँ तो जल्दी से बबल मारते हैं और भाई हमारा डैमेज बहुत ही कम जा रहा है लाइक लिटरली भाई हम बैरली कुछ कर पा रहे हैं यार। भाई बबल इतना कम, भाई हमें वाटर गन या आइस बीम जैसा कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन यार आइस बीम मुझे लगता है फिर टीएम के साथ हम सीख सकते हैं और वाटर गन लेवल अप के साथ भी नहीं सीख सकते। मुझे पता नहीं पॉलीवॉल का लेवल अप मूव सेट क्या है। ओके सो एंग्री बर्ड फिर से भाग गई शायद। ओ वहाँ जिगली पफ है। ओके ये रही जिगली पफ, जिगली माइक रखा है गाइस, नाम देखो भाई जिगली माइक रखा है ना। अरे वाह इसने फिर सिंग कर लिया गाइस और मुझे लगता है गाइस ओके सो ऑडियो मैं थोड़ा रखने वाला हूँ गाइस और एक्चुअली मैं ये सुनने वाला हूँ भाई जब ये सिंग का इस्तेमाल करेगी ना क्या ये अपना खुद का ऑडियो निकालेगी कि नहीं। ठीक है देखते हैं क्या होता है गाइस। और भाई एकदम भाई ओके बबल देखते हैं क्या होता है। पाउंड का इस्तेमाल बबल, अरे नहीं यार पाउंड हमें खत्म कर देगा। वाह भाई हम हार गए भाई जिगली पफ के इस्तेमाल के साथ। अरे नहीं यार हमें लगता है गाइस थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा भाई क्योंकि यार वो जिगली पफ कुछ ज्यादा ही ताकतवर है एक्चुअली। तो मुझे पता नहीं कि जिगली पफ को कैसे हैंडल कर रहे हैं क्योंकि यार एक्चुअली ये काफी ताकतवर है। अरे नहीं गाइस डिफेंस को सेटअप करिए गाइस, मुझे अगर मैं इसे जल्दी से गाइस सोने में नहीं डालूंगा ना तब ये भाई गंदा वाला डैमेज भी करने लग जाएगी। तो यस पाउंड बबल कुछ भी काम नहीं करा गाइस लाइक लिटरली भाई। ओके अब क्या हो रहा है यहाँ मुझे नहीं पता लेकिन इसने बहुत डैमेज कर दिया। मैं इसे गाइस मारना होगा और ऑडियो कुछ ज्यादा ही हो चुका है तो मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ। अरे ओके डिसेंट डैमेज और अब पाउंड्स मारना शुरू कर दिया जाए गाइस। भाई ये जिगली पर बहुत ही टैंकी है गाइस, ये भाई मुझे खत्म कर दे रही है गाइस बाहर। गाइस अब मुझे सच में पता नहीं भाई उस जिगली पफ को मैं काउंटर कैसे कर पाऊँ यार लाइक लिटरली भाई इतना ताकतवर कैसे है वो। ओके मेरे पास एक आइडिया हो सकता है वो अब गाइस ट्रेनिंग करना शायद फिर वही एक ही रास्ता बचा है मुझे लगता है गाइस। आओ यहाँ क्यूबॉन है, क्यूबॉन को पकड़ लेते हैं गाइस। ठीक है तो मैं बबल जल्दी जल्दी से इसे मार देता हूँ देखते हैं कितना डैमेज करता है बबल। बबल उतना भी डैमेज नहीं कर रहा है लेकिन ठीक ठाक डैमेज कर रहा है गाइस। तो यू शुडंट बी एंग्री ऑन दैट पॉइंट दो, बिल्कुल भी एंग्री मत होना चाहिए। और लेकिन हाँ बबल ने भाई क्यूबॉन को फल दिया है खत्म और हम हो चुके हैं लेवल 9 और आई होप भाई क्यूबॉन भी चला गया भाई अपने मालिक के साथ जो है प्रोफेसर ओक। और भाई अब एक ही पोकेमॉन बचा और वो है गाइस वो बल्बासोर शायद बल्बासोर और एक और पोकेमॉन क्या था जिगली पफ। हाँ हमने अभी तक उस जिगली पफ को एक्चुअली हराया नहीं है लेकिन उसे हराने के लिए पहले हमें एक्चुअली दो बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेवल 10 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा गाइस। चलो कोई ना गाइस मैं बोर हो चुका हूँ सो मैं जल्दी जल्दी से गाइस पोकेमॉन सेंटर में जाकर भाई अपना टीम पूरा अच्छा खासा हील अप कर लूंगा फिर देखता हूँ कि ये जिगली पफ अब क्या करवाता है। ठीक है और मैंने काफी देर से अपना गेम जो है सेव नहीं किया भाई 32 मिनट हो चुका और मैंने गेम नहीं सेव किया सो गेम को सेव भी कर लेते हैं गाइस और देखते हैं भाई कि ये जिगली पफ जो है क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत लैग था वहाँ एक्चुअली तो अगर तुम्हारे लिए लैग हुआ हो तो भाई समझ लेना। ठीक है ओके जिगली पफ ने हमें फिर से गाइस सुला दिया है। अब ये भाई हमें फिर से पाउंड मारने शुरू कर दिया है इसने। अब हमें इसे जल्दी से इसे सोना डालना पड़ेगा भाई ये हमें सोने में डाल रही है यार मैं क्या ही बोलूंगा इस भाई ये बहुत लकी है यार जो भी बोलो। ओके गाइस तो भाई बहुत सारी चीजें हुई गाइस और बता नहीं क्या हुआ मैं बस किसी और को टाइपिंग कर रहा था और भाई जो हुआ वो तुम बिलीव नहीं करोगे भाई जिगली पफ भागे
मतलब हमने हराया जिग्लीपफ को, लेकिन फिर वो भागी और मुझे लगता है गाइस कि हमने ऑलमोस्ट सारे पोकेमोन को ढूंढ लिया है। लेकिन हाँ गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतने, हम अगले एपिसोड में भाई उस बल्बसॉर को ढूंढने वाले हैं और भाई बहुत मस्ती करने वाले हैं। सो हाँ गाइस, अगर आपको ये सीरीज जो कंटिन्यू करना है तो आपको इस वीडियो के ऊपर अच्छे खासे 30 लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ माय फ्रेंड्स। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जब गलाई पे गजब हो गया, ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10, Ben 10, अनोखी शक्तियों का अब ये मालिक हो गया, जब चाहा एक एलियन में बदल गया।